हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज मैं आप सभी के लेकर एक स्पेशल वीडियो जो जिसमें मैं समर कोट पहनूंगी और फेस कवर एंड सॉक्स भी पहनूंगी। सॉक्स के तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम आप सॉक्स कलेक्शन वीडियोस भी लेकर आऊँगी, बट मैं आज अलग लुक लेकर आई हूँ क्योंकि मैं साड़ी के ऊपर तो समर कोट पहनती हूँ, बट मैं अभी इस वाले लुक में, ये हमारा राजस्थानी पोशाक है, ये चुनरी है राजस्थानी, तो इसमें आप किस तरीके से समर कोट को पहन सकते हो और इसमें आप फेस कवर एंड सॉक्स कैसे लुक आता है आप देख लीजिए। एंड ऐसे ही ये देखिए, आपको मैं अपना चुनरी दिखाती हूँ। ये इस टाइप का होता है राजस्थानी, जो राजस्थान के है और जो जिसको पता होगा उनको तो पता ही होगा कि ये वाला चुनरी होता है। सो टाइम वेस्ट के बिना लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास है ये समर कोट जो आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखे होंगे, तो आप इस वाले समर कोट को किस तरीके से इसके ऊपर पहन सकते हो। तो पहले तो मैं अपना जो पल्ला है सर के ऊपर से निकाल देती हूँ, क्योंकि ये निकालने के बाद ही इसे पहना जाएगा। इसमें और भी तरीके होते हैं, पर वो वाला तरीके मैं आपको अलग वीडियो एक बना दूँगी। तो इस वाले इस तरीके से आप समर कोट पहन सकते हो, और ये अंदर क्या है, कवर हो जाएगा और समर इसमें आपका हैंड भी बच जाएगा, सन से भी बचेगा। एंड आप अभी वैसे भी गांव में हल्का फुल्का सर्दी आ चुका है, तो ये समर कोट काम आ जाता है सर्दी में भी, कम सर्दी में भी। तो इस तरीके से ये रहेगा अंदर के तरफ, और ये देखिए आप देख सकते हो इस तरीके से। एंड देन आप, मैं लूँगी ये पल्ला इस तरीके से, ऊपर से लूँगी इसे पल्ले को एंड सर के ऊपर रखूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने समर कोट पहन चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा एक बाजू का जो है समर कोट वो कवर हो चुका है, एंड दूसरे का तो दिख रहा है, आप देख सकते हो इस बाजू का मेरा कवर हो चुका है समर कोट, एंड ये यहाँ का दिख रहा है, और ये इस तरीके से रहेगा। तो ये होने के बाद अभी हम करेंगे फेस कवर। तो फेस कवर करने के लिए हमें लेना है दुपट्टा, तो मेरे पास है ये वाला दुपट्टा। तो ये दुपट्टा फेस कवर करने के लिए भी मुझे फिर पल्ला को नीचे उतारना होगा, एंड फिर हम इसे फेस कवर करेंगे। तो फेस कवर मैं सिंपल तरीके से ही करूँगी, मैं ज़्यादा इसमें डिज़ाइन नहीं करूँगी, एकदम सिंपल, ओनली मेरा आइस दिखेगा। इस तरीके से मैं सिंपल तरीके से मैं फेस कवर कर लूँगी। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिए, एंड काफ़ी मतलब समर में एंड विंटर में आप दोनों में ही इसे इस तरीके के लुक क्रिएट कर सकते हो। और फिर हम सर के ऊपर पल्ला ले लेंगे। तो हमारे राजस्थान में घूंघट भी लिया जाता है, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जिसके रिलेजन जिसके भी कास्ट में घूंघट होता है आप ले सकते हो। और इस तरीके से मेरा फेस कवर हो जाता है। तो ये होने के बाद अब मैं पहनूंगी सॉक्स। तो मेरे पास सॉक्स है, ये है विंटर सॉक्स है, ये मतलब विंटर में भी आप पहन सकते हैं, समर में भी, बट मेरा सजेस्ट है कि आप समर में ना ही पहने तो सही रहेगा, क्योंकि समर में बहुत गर्मी होती है और ये वाला सॉक्स नहीं सूट करता है। समर सॉक्स का मैंने वीडियो बनाई हूँ, आप वहाँ जाके आप देख सकते हो मेरा वीडियो। तो इस टाइप का सॉक्स आप विंटर में ही पहनिए, अच्छा होता है। और सॉक्स कलेक्शन वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही लेकर आ जाऊँगी। तो आप मुझे बताना ये वाला जो सॉक्स मैं पहनी हूँ वो आप लोगों को कैसा लगा है, इसका कलर आप लोग को कैसा लगा है, डिज़ाइन आप देख सकते हो बहुत प्यारा है। तो ये हो जाता है हमारा सॉक्स पहनने का। तो मैं पाजेव अंदर रह गया था, तो पाजेव मतलब सॉक्स इस तरीके से पहन के पाजेव आप इस तरीके से दिखा सकते हो, तो बहुत प्यारा लुक आ जाता है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा आया है।
सो गाइस, आप लोगों को राजस्थानी ड्रेस में ये वाला लुक कैसे लगा है? अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों के लिए सॉक्स कलेक्शन वीडियो भी लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी गांव में धीरे धीरे मतलब सर्दी शुरू हो रहा है, तो विंटर सॉक्स कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगी। और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो। सो बाय बाय।